हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। मेरे ब्लॉग से स्वागत है। देखो आपां ड्योड़ी है, श्री आनंदपुर साहिब आए हाँ, दर्शन करन। तुसी भी देखो पूरा ब्लॉग, अगे भी दस दे। दर्शनी ड्योड़ी है, एक किले के उपर बनया है गुरुद्वारा साहब। इस तू अगले गुरुद्वारे ते लेके चलांगे विरासत खालसा। पैर तो वास्ते है दर्शन द्योड़ी दे, पुरातन दर्शन द्योड़ी दे, दर्शन कर लो। दर्शन बोर पुरातन हले तक देखो रखा हुआ है। आज तुम दिखाई दें, दर्शन कर लो। विरासत खालसा सामने जिथे कैद रहे, किला जिथे नजरबंद सी, जिथे किला श्री आनंदपुर साहिब। यह किला साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे पांच किलियां विचों एक है। पंगाणी का युद्ध जितने तो बाद गुरु साहिब जी ने समान 1746 सन 1679 तो 1705 तक मुगलों फौजा और पहाड़ी राजा वालों हमला ना करन दी कसम खान ते गुरु साहिब जी ने इतने किला खाली करके समूह सिंह समेत चमकौर साहिब जी ने चाले पा दिते सन। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी वेले पवित्र स्थान बोली साहिब 132 पौड़ियाँ। वाहेगुरु जी करो दर्शन तख्त श्री केसगढ़ साहिब। तख्त श्री केसगढ़ साहिब इस स्थान पर श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने विसाखी 1756 विच पांच प्यारियों की चोन करके उन्होंने खंडे बाटे नमर छकाया सी। भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहेब सिंह जी,